विराट ने गांगुली से हाथ नहीं मिलाया तो गांगुली ने भी बड़ा कदम उठाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल 2023 में हमें वो पल देखने को मिला जब दिल्ली और बेंगलोर का मुकाबला था। आप लोगों ने वो मैच देखा होगा और विराट कोहली ने सौरभ गांगुली से ना तो बातचीत की, ना उनकी तरफ देखा, ना उनसे हाथ मिलाया, बल्कि खबरें तो ये भी चलने लगी थी कि विराट कोहली ने गांगुली की तरफ उनको हराने के बाद घूर कर देखा। तो इसके मामले के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हुई, लगातार दोनों की बातें की गई, लगातार तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन इसके बाद एक और दूसरी खबर सामने आ गई है। विराट कोहली ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद सौरभ गांगुली ने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है और एक गांगुली ने भी बड़ा कदम उठा दिया है। दरअसल जो तस्वीरें वायरल हुई थी गांगुली की और विराट कोहली की, उन तस्वीरों को विराट कोहली की कप्तानी से जोड़कर देखा जा रहा था। जिस वक्त विराट कोहली ने छोड़ी थी उस वक्त विराट और गांगुली की बड़ी चर्चाएं हुई थी, दोनों के बीच में अनबन की चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी खबरें उस वक्त आप लोगों को सुनने को मिली थी। उसके बाद से विराट और गांगुली की कभी बनी नहीं, एक दूसरे के साथ दोनों को कभी बातचीत करते देखा नहीं गया, एक दूसरे के साथ अनबन की खबरें लगातार आती रही। लेकिन जैसे दिल्ली कैपिटल आरसीबी के बीच वो मुकाबला हुआ और दिल्ली कैपिटल को आरसीबी ने हराया और विराट कोहली ने जब एक अग्रेशन दिखाया और सौरभ गांगुली से हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद में एक तरीके की नई बहस शुरू हो गई। अब खबर क्या है? खबर यह है कि इस मुकाबले से पहले दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे। लेकिन खबर यह है कि इस मुकाबले के बाद विराट कोहली ने सौरभ गांगुली को अनफॉलो कर दिया। अब विराट कोहली ने जब यह कदम उठाया तो सौरभ गांगुली ने भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सौरभ गांगुली ने भी, अब खबर यह है कि विराट कोहली को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि वो जो मैटर चलता हुआ आ रहा है 2019 से, वो मैटर अब आगे बढ़ता जा रहा है, 2021 से जो मैटर चलता हुआ आ रहा है वो मैटर अब आगे बढ़ता जा रहा है और बात अब फॉलो अनफॉलो तक चली गई है। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे के, ना केवल मैदान पर, ना केवल निजी जिंदगी में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, जो खबर सामने आई है। और इस खबर के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। विराट ने क्या पहले सौरभ गांगुली को अनफॉलो किया या फिर सौरभ गांगुली ने पहले अनफॉलो किया? ये खबरें लगातार चली हैं, लेकिन खबरें ये हैं कि विराट कोहली ने पहले सौरभ गांगुली को पहले अनफॉलो किया था, उसके बाद सौरभ गांगुली ने विराट को अनफॉलो किया है। तो जाहिर तौर पर भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों दिग्गज हैं, दोनों के क्रिकेट फैंस बहुत इज्जत करते हैं, सौरभ गांगुली की भी इज्जत करते हैं और विराट कोहली की भी बहुत इज्जत करते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई जूनियर सीनियर को अनफॉलो करता है या उसकी बेइज्जती करता है या हाथ नहीं मिलाता है तो जाहिर तौर पर थोड़े से सवाल खड़े होते हैं और ये भारतीय क्रिकेट के लिहाज से ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके से अपने घर में फूट पड़ेगी, अपने घर के खिलाड़ी इस तरीके से अनबन रहेंगे, लड़ेंगे एक दूसरे से, तो दूसरे देश के खिलाड़ी हमारी मजाक लेंगे, हमारे ऊपर बात बनाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं तो सौरभ गांगुली क्रिकेट से बाहर है, तो इस तरीके की लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि विराट ने सौरभ गांगुली को अनफॉलो करके गलत किया? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।